साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। चमकौर गढ़ी साहिब के महान शहीदों की याद विच पिंड तंबूवाला अते लालवां दीआं संगतां दे वल्लों रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए अते गुरु का लंगर वरताया गया। पातड़ा पटियाला मुख मार्ग से पिछले तीन दिनों तो लगाए जा रहे लंगर की सेवा दे विच बच्चों ने सेवा की। संगतां ने दस्सिया कि वह हर साल शहीदों की याद विच लंगर की सेवा करते आ रहे हैं। श्री गुरु
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज का यह शुभ दिहाड़ा खालसा पंथ लई समुची सिख संगत लई बहुत ही माण वाली गल है कि दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने जिते सारे परिवार मारिया उत्ते अज के दिनों के अपने हरमन प्यारे लगते जिगर के टुकड़े बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी उन्होंने श्री चमकौर की गढ़ी दे विच शहादत का जाप पीता और सिख कौम ने बहुत वड्डी मान बख्शिया कि देश कौम की और धर्म की रखिया सिर दे के रखी जाती है। धर्म नूं बचाने वास्ते अपना तन मन धन ला के कौम नूं देश नूं सूबे नूं बचाया जाता है। सो इस तरह ही मैं दो एक मिनट तुहाडा होर लवांगा क्योंकि जदों इह चमकौर का घेड़ा पिया होगा सी अज दे दिनां दी गल है। आनंदपुर साहब किले दे विच तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने चारे साहबजादियां नूं कोल बुलाया और उन्होंने गुलवक्री च लैके कहा कि बेटा अज एक तुहानूं गल कहनी चाहुंदा जिहड़ी तुहाडी जिंदगी दे विच कम आएगी। साहबजादियां ने कहा पिता जी हुकम करो। गुरु साहब कह लगे कि बचपन दे विच ओह कम कराओ जिहड़ा बुढ़ेपे च कम आवे। बुढ़ेपे विच ओह कम करो जवानी च ओह कम करो जिहड़ा बुढ़ेपे च कम आवे। सो ऐसा ही होया छोटियां जिंदा वड्डे साके होर डिबड़े छोटियां छोटियां निंदा ने जिंदा ने चाहे वह चमकौर दी जंगे मैदान से चाहे वह श्री सरहद अपना सरहद की दीवार सी उसने अपनी शहादत देख के अपनी कौम का सिर उच्चा किया। सो समय की घाट है और बहुत कुछ कहा जा सकते मुक ही नहीं सकता है कि साडा इतिहास रहा जाए। सो मैं ज्यादा कुछ ना कहता होया जिते सारी संगत को अज के शुभ दिहाड़े से बधाई देना उसके माण भी फिक्र करता कि ऐसी कौम ऐसी बहादुर कौम इस धरती से संसार के ना कोई पैदा हुई है और ना कोई होई है होएगी। सो मैं लाला जी का सर अंग्रेज सिंह जी का धन्यवाद दियाँ जिन्होंने मैनू तीन चार दिन पहला हुक्म किया श्री अखंड पाठ साहब जी का होगा जिहड़ा वह कल पैना है तो उत्ते आके संगत के दर्शन करो तो आदि लो। सो इसलिए मैं सारी संगत का विच अपनी हाजरी बुलाता होया गुरु महाराज अगे चरणा च अरदास कर दिया कि पातशाह इसे तरह ही जिवें इन्होंने हर साल की तरह यह शहीदी दिहाड़ा मनाया इस तरह हर साल ये जिहड़ा है श्रद्धा और सत्कार के नाल शहीदी दिहाड़ा मनाते रहन और गुरु महाराज इन्हां दे जिहड़े बरकत है खजाने च बरकत पैंदी रहे और चढ़दी कला च रहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू संगत जी। यूनिवर्सल होस्पिटल वालों बेनती है कि 5 तरीक नूं इसे जगह ते हस्पताल का उद्घाटन होना उहदे विच वध तों वध शामिल होके संगत ने अपनी हाजरी लाउणी है और समय का जिहड़ा ना लाभ प्राप्त करना। जेड़े चमकौर गढ़ी की याद शहीद होए ने जी उन्हों की याद के लंगर लाया गया जी। आए साल ही इस तरह असी लंगर लाने जी अगे भी इस तरह लाने रहे तो लाने पिंड तंबू वाला और पिंड लालवा से जाती संगत ने रस्ते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਲਾਲਵਾ ਦੋ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 40 ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲਈ, ਕਟਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰਨੇ ਵੀ ਤੁਰੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।